बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। पहाड़ी भजन पंजाब ही दुनिया सारी फानी। ये दुनिया सारी फानी। ऐ कुड़िया ऐ कहानी। दुनिया सारी फानी। ये दुनिया सारी फानी। रिया पीर फकीर अमीर। रिया पीर फकीर अमीर। ऐ कूच करे व्यावीर। कठिन काल जी कानी। आ कठिन काल जी कानी। ये दुनिया सारी फानी। ये दुनिया सारी फानी। जे मुल्क सजे जा मालिक। जे मुल्क सजे जा मालिक। होया पूरण पृथ्वी पालक। होया पूरण पृथ्वी पालक। दिन ना रहो न निशानी। दिन ना रहो न निशानी। ये दुनिया सारी फानी। ये दुनिया सारी कहते हूँ फिर ना कोई। कहते हूँ फिर ना कोई। एक कायम राम सचोई। एक कायम राम सचोई। जब देखे पल पल प्राणी। जब देखे पल पल ये दुनिया सारी फानी। ये दुनिया सारी फानी। राग पहाड़ी भजन 50। ये दुनिया सारी फानी। ए कूड़ी आह कहानी। पहाड़ी राग के इस भजन में श्री सद्गुरुदेव भगवान सदुपदेश दे रहे हैं कि ये सारा संसार नश्वर है। दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान के अमृतमय वचन है कि दुखों का घर भी है संसार और अशाश्वत माना हमेशा रहने वाला नहीं। वही बात गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा फरमा रहे हैं कि संसार नश्वर है। जितने भी ये कहानी है वो झूठी है। प्रत्यक्ष जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है वो सब मिथ्या है। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। व्या वीर फकीर अमीर। ऐ कूच करे व्या वीर। आ कठिन काल जी कानी।
इस संसार में किसी का भी स्थिर निवास नहीं, भले पीर हो जे या फकीर हो जे या मुल्क सजे जो मीर हो जे, धीर हो जे या गंभीर हो जे, पर काल न कहें जो क्या सु करे। संसार में किसी का भी ठिकाना नहीं, कितनी भी ऊंची पदवी को प्राप्त कर ले सांसारिक, लेकिन उसको भी शरीर का त्याग करना पड़ेगा। कोई कितना भी बलवान हो, आ कठिन काल जी कानी, उस काल की गति बहुत कठिन है, उस काल की गति से कोई पार नहीं पा सकता। जे मुल्क सजे जा मालक, होया पूरण पृथ्वी पालक, तिन नाम रहो निशानी। जो सारे देश के पृथ्वी के राजा सम्राट थे, वो भी इस संसार में स्थिर नहीं रह सके, उनका नाम निशान भी बाकी न बचा, क्योंकि सब कुछ उस काल के गर्त में समा जाता है। कहे टेव थिरना कोई, हिक कायम राम सचोई। संसार में उस परमात्मा के नाम के सिवा और कुछ भी स्थिर नहीं, वही स्थिर है जप तैखे पल पल प्राणी। गुरु महाराज इस भजन के द्वारा जिज्ञासु को सदुपदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास में उसका स्मरण करो, वही तुम्हें संसार सागर से पार पहुंचाएंगे। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लाओ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।